बीजेपी नेताओं द्वारा अक्सर अजीबोगरीब बयान सुनने को मिलता है। कभी बीजेपी मंत्री रोड में गाड़ियों के जाम को ऑटो सेक्टर में मंदी नहीं होने से तुलना कर देते हैं। कभी बीजेपी नेता धूप से कोरोना का इलाज करने की बात करते हैं। वहीं एक बार फिर बीजेपी की तरफ से ऊटपटांग बयान सुनने को मिल रहा है। बीजेपी प्रवक्ता साइना एनसी ने शंखनाद करने से चल रही महामारी के वायरस को खत्म होने की बात कही है। महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता साइना एनसी ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रविवार को जनता कर्फ्यू के दौरान अपनी बालकनी से थाली बजाने वाले फैसले की सराहना की। इसके साथ उन्होंने कहा कि पुराणों के हिसाब से घंटी और शंख की आवाज से बैक्टीरिया वायरस आदि मर जाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता साइना एनसी ने ट्वीट किया, हमारे नेता नरेंद्र मोदी बिल्कुल अलग हैं, वह प्रशंसा के हकदार हैं। उन्होंने आगे लिखा, पुराणों के हिसाब से घंटी और शंख की आवाज से बैक्टीरिया वायरस आदि मर जाते हैं, इसलिए पूजा के समय हम लोग घंटी और शंख बजाते हैं। 120 करोड़ लोगों के घंटी, शंख, ताली, बर्तन बजाने के पीछे कितनी बड़ी सोच है मोदी जी की। साइना एनसी के इस ट्वीट के बाद लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को देश के लोगों को जनता कर्फ्यू का पालन करने के लिए कहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि रविवार 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक देशवासी जनता कर्फ्यू का पालन करें। उन्होंने लोगों से घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह 22 मार्च को लोगों द्वारा उठाए गए इस कदम की सफलता और इसका अनुभव आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। वहीं बीजेपी नेताओं द्वारा अजीबोगरीब बयान देने की बात करें तो यह पहली बार नहीं है जब ऐसा बयान सुनने में आया हो। आपको बता दें कि आर्थिक सुस्ती के बीच बीजेपी से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती तो आई है लेकिन इसे मंदी नहीं कह सकते हैं। अब हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि दोनों बातों का मतलब अलग अलग कैसे हुआ। देखा जाए तो मौजूदा सरकार में नेताओं और उनके प्रवक्ताओं द्वारा कुछ भी बयानबाजी करने से पहले सोच विचार कर लेने की जरूरत है। उन्हें यह समझना चाहिए कि उन्हें लोगों का जनादेश मिला है, तभी वह एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। किसी भी मुद्दे पर बयानबाजी करने से पहले मुद्दे से जुड़े तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।